तो हेलो गाइस, अभी रिसेंटली मैंने एक एडमिशन प्रोसेस के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें सब लोगों ने बहुत सही रिस्पॉन्ड दिया, मतलब जिसको इन्फॉर्मेशन जाननी थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा कैंपस टूर भी करा दिया जाए। एसी तो खोलो, ऐसे नहीं आ रही यूट्यूब से भी। तो ये पहुंच गए हम हमारे कॉलेज। तो भाई ये है हमारी स्कूटियों की पार्किंग, कार पार्किंग यहाँ से नीचे है और ये हमारा गेट नंबर 1 है। सामने कैंटीन टक शॉप है। तो ये है हमारा कॉलेज की एंट्री। कंप्यूटर सेंटर है यहाँ पे और यहाँ मैक लैब है, वहंगर महंगी बातचीत है वो देख सकते हो आप मैक। ये है ग्राफिक एरा की इस साल की प्लेसमेंट, हाईएस्ट ये है इतना 84 लाख। तो भाई ये खड़ी है घनशाला सर की जैगवार, देख लो भाई। और इस सर की गाड़ी है ना हर दिन चेंज होती रहती है भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बाकी मैं आपको यहाँ की क्लासेस वगैरह चेक करवाता हूँ। तो हम आ चुके हैं ऊपर, यहाँ हर फ्लोर पे सजावटें हैं, क्लासरूम्स है, अंदर पढ़ाई चल रही है। और ये है भाई हमारा ऑडिटोरियम और ये हमारे फ्लोर्स है। कितने फ्लोर्स है? 1, 2, 3, 4, 5। सबसे टॉप फ्लोर पे 600 करके रूम की सीरीज होती है और यहाँ ठंड गर्मी में बहुत बच्चे बैठ रहता है, ये ठंडक रहता है ना यहाँ पे। तो भाई हमारे कॉरिडोर्स हैं, ऐसे बगल में रूम्स होते हैं, यहाँ लिफ्ट वगैरह टीचर्स वगैरह के लिए अलग है और स्टूडेंट्स के लिए अलग है। तो भाई ये है हमारा कैंटीन बार, वो गेट नंबर 1 जो दिखाया था और ये बसें लगी है अभी। बाकी ये हमारी सबसे बड़ी रूम्स होती है, ये है हमारी सबसे बड़ी रूम LT। तो भाई आ चुके हैं हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, ऊपर कुछ लगा रखा है ताकि ज़्यादा धूप ना पड़े अंदर और यहाँ सब बच्चे बैठे रहते हैं भयंकर। तो भाई ये चेक करवाते हैं हम आपको यहाँ के टॉप फ्लोर से व्यूज़। वाह भाई सब कुछ दिखता है भाई, वो सामने DMD का कैंपस है, बुद्धा टेम्पल, और वो बुद्धा टेम्पल दिख रहा होगा आपको ऊपर छत पर जैसा उसका, और वो पूरा DMD का कैंपस की बिल्डिंग बन रही है। तो यह है ग्राफिक एरा का टॉप फ्लोर, यहाँ अच्छा होता है मतलब टेरिस है और पूरा व्यू दिखता है भाई टॉप व्यू। और यहाँ हम खाते हैं टिफिन। तो भाई ये है हमारा वॉशरूम, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा वॉशरूम के दिखाना, ये बॉयज़ का वॉशरूम है। तो गाइस पानी भी भर सकते हो आप यहाँ, ठंडा पानी, शेड वाटर है, सारा पैसा वसूल। तो भाई ये है हमारी मैनल ड्राइंग की लैब, ये यहाँ पे हम ड्राइंग बनाते हैं बैठ गए और ऊपर टीन का छप्पर है, सबसे टॉप वाला फ्लोर है और गर्मी बहुत है भाई। तो ये मैनुअल ड्राइंग लैब के ऊपर से वो देखो सामने पार्किंग है, गेट नंबर 3 और ये ग्राउंड नीचे का हमारा पूरा, वो कोर्ट वगैरह बास्केटबॉल, बाकी एग्रीकल्चर बिल्डिंग है हमारी। भाई ये चल रहा है आज एक इवेंट जो हमारे कॉलेज के मैनेजमेंट वाले हैं वो खाना बना रहे हैं और बहुत महंगा खाना दे रहे हैं भाई। तो भाई ये है मेल लिफ्ट अलग है, फीमेल लिफ्ट अलग है, फीमेल सामने लिफ्ट है, मेल लिफ्ट ही है। बाकी देख रहे हो यहाँ पोस्टर, ये कॉलेज के इवेंट चलते रहते हैं, ये PUBG का भी हुआ था, ये दक्षमा भी जो चल रहा है यहाँ पे, इधर भी कुछ है चलता रहता है कुछ ना कुछ, यहाँ आर्म रेसलिंग का। मतलब भाई इवेंट्स की तो इस कॉलेज में कोई कमी नहीं है, मतलब यार इतनी पढ़ाई नहीं होती है जितने इवेंट्स होते रहते हैं। तो भाई इन्फिनिटी भीड़, अंदर से जितनी भीड़ दिख रही है ना आप सब यहीं से आ रखी है। कैमरेज भी रहते हैं यहाँ, सिक्योरिटी पूरी है, यहाँ से हम कर सकते हैं कंट्रोल। कहाँ चले भाई? ग्राउंड में चलते पहले। तो अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का लाइब्रेरी और नीचे वाला कैफेटेरिया। भाई फिर से इन्फिनिटी भीड़ घुस चुकी है। तो इस बिल्डिंग में ऊपर के 4 फ्लोर तो वैसे ही सिमिलर है, क्लासेस वगैरह और लैब्स वगैरह वहीं पे है सारे। तो बस यहाँ का बेसमेंट थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ कुछ और चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये सबसे नीचे फ्लोर पे जा रहे हैं हम, हैप्पीनेस हट कैफे है, यहाँ खुशियाँ मिलेंगी गाइस आपको यहाँ। भाई ये है यहाँ पे स्टेशनरी की दुकान और बहुत सारी भीड़, ये है यहाँ स्टेशनरी और यहाँ खाने के लिए भी है। तो भाई ये यहाँ के रेट से देख सकते हो आप, महंगी बातचीत है, चलो चलो। तो भाई ये है यहाँ की सबसे बड़ी लैब, Ubuntu लैब, यहाँ ID पासवर्ड जो लॉगिन करने के लिए चेंज होते रहते हैं तो हमेशा लिखते हैं यहाँ पे। भाई इतने सारे यहाँ पे कम से कम 100+ PC होंगे। ओवरऑल कॉलेज तो इतना ही है अंदर से, अब बाहर चलते हैं आपको प्लेग्राउंड वगैरह और पूरी कॉलेज की बिल्डिंग दिखाते हैं। ये वो टक शॉप जो मैंने आपको दिखाई थी, ये हमारे कॉलेज की बिल्डिंग से हम बाहर आ चुके हैं। अब बिल्डिंग देखो ऊँचाई। तो भाई आज कर दें हम अपने कॉलेज के लौंडों से बात। भाई कैसा लग रहा है कॉलेज? बढ़िया भाई, बढ़िया लग रहा है। पैसा दिया क्या तुम्हें घनशाला जी ने? बहुत बेकार है, कट कर देना। तो भाई ये रही वो बिल्डिंग और बिल्डिंग के बिल्कुल सामने पे बड़ा सा ग्राउंड जो कि है छोटा असल में, पर यहाँ चल रहा है कुछ, फोर्थ ईयर वाले अब यहाँ से जा रहे हैं, फेयरवेल हो रहा है उनका, तो उनके लिए यहाँ पे पार्टी वगैरह जो भी बोलते हैं वो रखवा रहे हैं 3rd ईयर वाले बच्चे। तो ये गेट नंबर 3 है, ये वाला गेट नंबर 2 है और सबसे आगे दिखाया था गेट नंबर 1 है। 3 गेट हैं यहाँ से मेन एंट्रेंस है कॉलेज की। और भाई ये है हमारा स्पोर्ट्स अरीना। स्पोर्ट्स अरीना का एक्सपीरियंस रहा है तुम्हारा? कभी तुमने स्पोर्ट्स खेला है यहाँ?
यहाँ स्पोर्ट्स है ही नहीं भाई, धोखाधड़ी है ये, नाम का है बस ये। देखो देखो, उन्होंने जो मेन दरवाज़ा बनाया वही बंद कर रहता है, पीछे से एंट्रेंस है। और ये अंदर से हमारा स्पोर्ट्स रूम, तो भाई कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? बहुत बेकार कॉलेज है, बहुत कॉलेज है, कभी बताना इस कॉलेज में। भाई यहाँ भी एक फूड वैन है, पर ये कभी खुली नहीं रहती है, बहुत पहले की बात जब खुली रहती है। तो भाई ये है यहाँ का वॉलीबॉल कोर्ट, अब पानी कीचड़ गया यहाँ। तो ये रहे वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट। भाई फुटबॉल खेलना चाह रहे हो? अच्छा तुम्हें खिलाएंगे नहीं वो। यहाँ यहाँ फुटबॉल है, एक ही देखो, एक गोल पोस्ट इधर है, एक गोल पोस्ट इधर है, और डिस्टेंस देख लो कितना कम है। तो गाइस मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये टावर दिख रहा होगा आपको, पर ये टावर है पर यहाँ सिग्नल नहीं आता ग्राफिक एरिया के अंदर। यहाँ पर आओगे ना, यहाँ बच्चों के सिग्नल चलते ही नहीं है, यहाँ जैमर लगा रखे हैं और मामला सब बंद है, रिस्ट्रिक्टेड है। बोलते तो वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है, पर ये वाईफाई यहाँ पे अपने लिए यूज़ करते हैं सब, बच्चों को कुछ मिलता ही नहीं। और ये भाई पूरा कॉलेज का नज़ारा। तो भाई ये हमारा गेट नंबर 1, और जो स्टूडेंट्स की कार की पार्किंग वो आ गया है। तो भाई यहाँ लगती है स्टूडेंट्स वगैरह की गाड़ी, वो देखो जो गाड़ी आप बोल सकते हो मैं वो पिक कर सकता हूँ, सबकी चाबी मेरे पास है। अच्छा वो मेरी गाड़ी लेके भाग रहे हैं। कैंपस टूर आपको करवा दिया, कुछ कुछ चीज़ें छूट गई होगी आप बता सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा आपको सब। अगर कुछ ज़्यादा ही चीज़ें छूटेंगी तो मैं एक और कैंपस टूर बना दूंगा, कैंपस पैसा छूटूंगा पैसा। बाकी जैसे मैंने वो एडमिशन प्रोसेस की वीडियो बनाई थी, तो मतलब लोग अपने मतलब के कमेंट्स तो कर रहे हैं, भाई थोड़ा लाइक और शेयर करो यार, मतलब हमारा भी तो फायदा करो कुछ।